हेलो फ्रेंड, हरे कृष्णा, राधे राधे। फ्रेंड, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कपूर को लेकर के। अगर आप घर में कपूर जलाते हो तो आपको कपूर किस तरीके से जलाना चाहिए। फ्रेंड्स, आप सभी लोग जानते होंगे कि कपूर जो है हर पूजा पाठ में काम में लिया जाता है, और जो है कुछ लोग कपूर को जो है घर में भी जलाते हैं, जिससे कि घर की जो भी नेगेटिविटी हो, ये बुरी नज़र हो, वो सारी चीज़ें दूर करने के लिए जो है कपूर बहुत ही अच्छा है। आपको जो है घर में कपूर ज़रूर जलाना चाहिए। आप चाहें तो डेली नहीं जला पाते हो, तो आप जो है हफ्ते में 1 से 2 बार घर में कपूर ज़रूर जलाएं। और आपको किस तरीके से जलाना चाहिए, जो कि आपके पूरे घर में कपूर की खुशबू रहे और आपके घर में धुआं भी ना निकले, और जो है आपका काफ़ी टाइम तक आपके घर में बहुत ही अच्छी खुशबू रहे कपूर की। तो आपको क्या करना है, इस तरीके का एक दीपक मिलता है, इसको कपूर लैंप भी बोलते हैं, कैम्फर लैंप भी बोलते हैं। आप चाहें तो इसको मीशो से ले सकते हैं, कहीं से भी आप ले सकते हैं, अमेजोन से ले सकते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं आप। ये जो है सभी जगह मिलता है, और आप जो है इसको लोकल मार्केट से भी, बर्तन वाले की शॉप से ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कुछ ये इस तरीके से होता है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। और इसको हमें किस तरीके से यूज़ करना है, किस तरीके से इसे हमें जलाना है, तो फ्रेंड्स, इसको मैं 3 साल से यूज़ में ले रही हूँ। हफ्ते में 1 से 2 बार मैं जो है इस तरीके से कपूर जलाती हूँ। डेली कभी कभी नहीं भी जला पाते हैं, तो हफ्ते में आप 1 से 2 बार कपूर ज़रूर जलाएं। इस तरीके का ये कुछ होता है, आप देख सकते हैं। तो इसको हमें किस तरीके से जलाना, तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको एक छोटा कोई दीपक लेना है, जो कि आपके इसके अंदर ये दीपक चला जाए, इस तरीके का दीपक लेना है। और उसमें गोल बाती लगानी है, और उसमें घी डालना है। आप घी डालो, कोई भी ऑयल डालो, चाहे सरसों का ऑयल, जो भी आप जलाना चाहते हो, कोई भी कुछ भी आप इसमें डाल सकते हो। और बाती आपको जो है गोल ही लेनी है, और इसको जला देंगे। और दीपक आपको इस तरीके का लेना है, जो इसके अंदर चला जाए। तो और इसमें जो ऊपर कटोरी दी हुई है, ये भी अलग से है, तो आपको इसमें इतना पानी भरना है जितनी देर तक आपको जलाना है। आपको कितनी देर तक जलाना है, आप उतना इसमें पानी भर दें। अगर ज़्यादा देर तक जलाना है, 1 से 2 घंटे के लिए, तो जो है आप पूरा भर सकते हैं, आधा घंटे के लिए, 10 मिनट के लिए, जितना आप भरेंगे उतनी देर तक जो है आपके घर में खुशबू रहेगी। और आपको कपूर ले लेना है, तो आपको ये कपूर जो है पानी के अंदर डाल देना है। तो आप चाहें तो ऐसे ही डाल सकते हैं, और आप चाहें तो इसका चूरा करके भी इसमें इस तरीके से डाल सकते हैं। तो इसको डाल देंगे फ्रेंड्स, और इसको हमें ढक देंगे। जैसे ही ये पानी गर्म होगा, ये अंदर से बॉईल होने लग जाएगा, काफ़ी सारा बॉईल हो जाएगा इसमें। और बॉईल जैसे जैसे होगा, इसमें से जो है भाप निकलेगी। तो जो भाप निकलेगी वो कपूर की खुशबू के द्वारा निकलेगी। तो जैसे कि इस ढक्कन को ढक देंगे, तो इसमें जो छेद दिए हुए हैं, जो होल्स हैं, इसमें से जो है वो भाप निकलेगी, आप देख सकते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ अभी आगे। पे दीपक को जलाने से पहले आप उसके नीचे कोई प्लेट या कटोरी वगैरह जरूर रखें, क्योंकि दीपक काफ़ी गर्म हो जाता है। तो आप इसको कहीं दूसरी जगह भी रखना चाहोगे, तो अगर प्लेट नीचे रखी होगी तो आप दूसरी जगह भी आराम से रख सकते हो। तो मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें से इस तरीके से कुछ जो है इसका भाप निकल रही है पानी में से, तो इसके छेदों में से निकलती है। तो हमारे घर में, पूरे घर में जो है खुशबू ही खुशबू कपूर की हो जाती है। तो आप इसका ढक्कन कपड़े से हटाएं, क्योंकि ये काफ़ी गर्म हो जाता है ढक्कन। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा जो पानी है वो बॉयल हो रहा है, और इसमें से जो है भाप निकल रही है। तो ये भाप जो है पूरे घर में कपूर की खुशबू करती है। तो आप सोच सकते हैं, जब हम वैसे कपूर जलाते हैं तो उसका धुआं भी निकलता है, जो कि वो ठीक नहीं है। और जो है उसमें बस थोड़ी सी देर जल के और वो ख़त्म हो जाता है। आप इस तरीके से अगर कपूर घर में जलाते हो, तो आपके पूरे घर में काफ़ी टाइम तक खुशबू रहती है कपूर की, और बहुत अच्छा लगता है, अपने मन को भी अच्छा लगता है, और वैसे भी बहुत ठीक रहता है। तो आप देख सकते हैं, आप इस तरीके से जो है कपूर को जला सकते हैं। और आप जो है किसी भी जगह रख सकते हैं, ऐसी जगह रखें जिससे कि सारे घर में खुशबू हो जाए। चाहे आप मंदिर में रख सकते हैं, कहीं आपकी खुली जगह हो वहाँ रख सकते हैं। आज की वीडियो मेरी यहीं तक की थी, आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।